हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के निराला फिर वापस नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज जो टॉपिक है हल्दी, और हल्दी के बारे में आप लोग बताऊंगा कि हल्दी कितना गुणकारी है और क्या क्या चीज़ इसमें फ़ायदा होता है हल्दी। तो ये जो फ़ायदा होता है, लीवर इन्फेक्शन, फेस ग्लोइंग, उसके बाद जो है कोल्ड सीजन में जो सर्दी, नाक से पानी गिरना, माथा पकड़ लेना, माथा में दर्द हमेशा बनना और नाक जाम कर जाना, उसमें तो खासकर काफ़ी फ़ायदा करता है। और इसको अगर फ़ायदा करने का तरीका भी जो बताऊंगा कि किस तरह से इसका उपयोग करता है लोग, तो उपयोग करने का तरीका इसका जो है, अगर इसका जो डस्ट आता है हल्दी का, रात के सोने समय में जो है दूध में इसका पाउडर मिला करके सोने समय में आप पी सकते हैं, तो उस समय आपको फ़ायदा होगा ही। और कंटिन्यू अगर पीते हैं तो चेहरे में ग्लोइंग, लीवर इन्फेक्शन, डाइजेस्ट का काम, इस सब में काफ़ी फ़ायदा होता है। और अगर कोल्ड सीजन में जो सर्दी, नाक से पानी गिरना, नाक जाम कर जाना, उसमें अगर प्रयोग करते हैं तो उसका कुछ हट के प्रयोग है जो काफ़ी कारगर रहता है। इसको जो है हल्दी का एक पोटली गुनगुने जो आग होता है लकड़ी का, उपला का, उसमें इसको भून दें। भूनने के बाद आप जब सोने के लिए जाते हैं उस समय एक ग्लास गर्म पानी, लगभग 250 ग्राम पानी और थोड़ा सा नमक साल्ट जो है ले करके इसको पोटली को, जो भुना हुआ पोटली होता है उसको चबा चबा करके, और चबा करके घोट जाना है, पूरा निगल जाना है। उसके बाद जो गर्म पानी है उसको पी जाना है। ये विधि सिर्फ 3 दिन करना है। 3 दिन में आपका सर्दी, कोल्ड सीजन का जो नाक से पानी गिरना, नाक भर जाना, नाक जाम कर जाना, माथा पकड़ लेना, सारा 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। न इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है और न बाद में भी कोई दिक्कत है, न कहीं कॉफ पानी जो है जमता भी नहीं है, और फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। आप पहले के जैसा फ्रेश महसूस भी करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं ये हल्दी के बारे में इतना बताया हूँ। फिर मैं दूसरे मेडिसिन के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा।